शुक्ला आज फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ टारगेट विद केसीएस के साथ। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हमने बात की थी ब्रह्मांड की और सौरमंडल की। ब्रह्मांड से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक था सौरमंडल। हमने इसकी आपको एक्सरसाइज कराई जिसके आंसर बहुत से कम लोगों ने दिए हैं। दोस्तों हमारा आपसे यही कहना है कि आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आप 2 कर पाते, 4 कर पाते, 8 कर पाते या 50 के 50 सही करते हैं तो आप उसका आंसर में कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों जो हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं वो हम पहले आपको व्हाट्सएप के द्वारा उपलब्ध कराते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 81 82 87 32 43। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए ज्वाइन मी। आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिए ज्वाइन मी। हम आपको वहां पर अपने रूल्स एंड कंडीशन बताएंगे और इसके बाद हम आपको अपने ग्रुप से जोड़ देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड आज हमारे सामने उपस्थित है। जिस ब्रह्मांड को हम आज जानते हैं पहले हमारा ब्रह्मांड वैसा नहीं होता था। तब ना तो तारे थे, ना हमारे ग्रह थे, ना उपग्रह थे। जैसा कि हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं, एक विशाल पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ और इसके बाद हमारे गैलेक्सी बनी और गैलेक्सी के बाद हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। हमारे सौरमंडल का ही ग्रह पृथ्वी, जिस ग्रह के निवासी हैं हम, आज हम उसी ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना के बारे में ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है इसके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था, सिर्फ अनुमान लगाया गया। अब उस अनुमान के तरीके कौन कौन से थे? सबसे पहला था चट्टानों के द्वारा, यानी जो पृथ्वी के अंदर चट्टाने थी उनके द्वारा अनुमान लगाया गया। सेकेंड आता है हमारा ज्वालामुखी के द्वारा, जो ज्वालामुखी के अंदर लावा निकला, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता था उस लावा में जो भी तत्व होते थे उनके आधार पर कहा जाता था कि पृथ्वी के अंदर ये तत्व मौजूद है, पृथ्वी के अंदर ये तत्व मौजूद है। तीसरा उल्कापिंड, तीसरे थे उल्कापिंड के द्वारा, और चौथा था हमारा भूकंप विज्ञान के द्वारा। भूकंप विज्ञान के द्वारा तो सबसे पहले हम बात करेंगे चट्टानों के द्वारा। चट्टानों के द्वारा में जैसा कि चट्टान पृथ्वी के अंदर क्या है, चट्टाने हैं, और चट्टाने कैसी थी, अलग अलग तरीके से चट्टानों का स्वरूप बदलता जा रहा था। कारण क्या था? जिस तरह से दबाव बढ़ता रहा था चट्टानों में, क्या बढ़ रहा था? दबाव बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? दबाव। जब चट्टानों में दबाव बढ़ता है तो दबाव के साथ साथ क्या परिवर्तन आता था? उनके घनत्व में भी परिवर्तन आ रहा था, उनके घनत्व में भी परिवर्तन था और तापमान में भी भिन्नता पाई जा रही थी। कोई भी चट्टान जब पृथ्वी की सतह से, कोई भी चट्टान जब पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ बढ़ती थी तो उसका दबाव अधिक हो जाता था। ऊपर से नीचे चट्टान जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती थी तो चट्टानों का दबाव अधिक हो जाता था। दबाव अधिक होने से घनत्व और तापमान में भी अंतर पाया जा रहा था। घनत्व दबाव के कारण घनत्व और तापमान में भी अंतर पाया जा रहा था। तो ये था हमारा चट्टानों के द्वारा अध्ययन किया गया और इसको सटीक नहीं माना गया।
सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक था वो हमारा था भूकंप विज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा। और प्रमाणित उसी को माना जाता है जिसे विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो, और इसे भूकंप विज्ञान के द्वारा जाना गया, इसीलिए इसको सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। दूसरा था ज्वालामुखी। अभी हमने आपको बताया था ज्वालामुखी क्या है। आप जो हम आपको बताते हैं आप उसको सुनने के बाद अपने अनुसार अपने शब्दों में नोट करते जाया करें। दूसरा है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दो शब्द ज्वालामुख, यानी जब पृथ्वी के अंदर। ज्वालामुखी क्या होता है? जैसे हमारी पृथ्वी है सतह, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, या हम कह सकते हैं सतह के नीचे किसी बिंदु से क्या होता है? आग जैसी निकलती है, आग जैसी निकलती है, या ज्वाला जैसी निकलती है, इसी को कहा जाता है ज्वालामुखी। अभी ज्वालामुखी में जो भी तत्व होते थे वो तत्व कहाँ से आते थे? तत्व कहाँ से आते थे? पृथ्वी के अंदर से। कहाँ से आते थे? पृथ्वी के अंदर से। तो पृथ्वी के अंदर जो होगा वही तो बाहर आएगा, पृथ्वी के अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। इसी के अनुसार देखा गया या इसी के अनुसार अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं। दो अब हम तीसरे की बात करें उल्का पिंड। भाइयों जैसे उल्का पिंड क्या होता है? हो सकता है मैं प्रीवियस क्लास में आपको नहीं बताओ और बताया हो उल्का पिंड क्या होता है। आज हम आपको बताते हैं कि उल्का पिंड क्या है। क्षुद्र ग्रह, याद है क्षुद्र ग्रह? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रह जो असंख्य मात्रा में थे, लगभग 40 से 50 हजार थे, उनकी एक पट्टी, उनकी एक पट्टी दो ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में अनेक ग्रहों की छोटी छोटी पट्टी थी, अनेक ग्रहों की एक पट्टी थी, अनेक ग्रहों की एक पट्टी थी। जब वही छोटे छोटे ग्रह धूल के साथ संलग्न हो जाते हैं या किसी अन्य क्रिया के द्वारा कहाँ आते हैं? हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। हमने भी आपको क्या बताया? मंगल और बृहस्पति के बीच, ध्यान से सुनना, ये मंगल ग्रह और ये हमारा बृहस्पति ग्रह, उसी के बीच क्या था? उसी के बीच तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जा रही थी। जब बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच जो क्षुद्र ग्रह किन्हीं कारणों से किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? हमारी पृथ्वी की तरफ आकर्षित हुए। जब हमारी पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं तो पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक अपना वायुमंडल है। तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण के साथ जलने लगते हैं। क्या करते हैं? घर्षण के साथ जलने लगते हैं, या कह सकते हैं घर्षण के कारण इनमें चमक उत्पन्न होती है। और चमक उत्पन्न होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? उनमें वो जिस ग्रह है, ग्रह सभी ग्रह एक ही तत्व से बने होंगे या उनमें कोई अलग तत्व भी मौजूद होगा। तो इस कारण जो उल्का थे, ग्रह के उल्का कहते थे तो ग्रह ही, तो जब उनके अवशेष जल गए तो जो उनके अवशेष थे वो हमारी पृथ्वी पर आए। और इसके आधार पर अध्ययन किया गया और कहा गया कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी यही तत्व मौजूद है, हमारी पृथ्वी के अंदर भी ये यही पदार्थ पाए जाते हैं। अब तीसरा और सटीक है हमारा भूकंप विज्ञान। तो जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो है हमारा भूकंप विज्ञान, क्योंकि खगोलविदों के द्वारा ही ये अनुमान लगाया गया और विज्ञान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर तीन परतें मानी जाती हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। पृथ्वी के अंदर तीन
परतें हैं। सबसे पहली परत कौन सी है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं भू परपटी। क्या कहते हैं? भू परपटी। दूसरी कौन सी है? मेंटल। दूसरी कौन सी है? मेंटल। तीसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ हम आपको एक एक करके बारी बारी से एक एक के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले भूपरपटी मेंटल कोर, तीन परतें भूपरपटी मेंटल कोर। भूकंप विज्ञान, दोस्तों भूकंप क्या है? भूकंप, भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, यानी पृथ्वी का कांपना ही भूकंप कहलाता है। तो भूकंप में क्या होता है? भूकंप में तरंगे होती हैं, भूकंप में तरंगे होती हैं, और यही तरंगे क्या, इन्हीं तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया। इन्हीं तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया। भूकंप विज्ञान, भूकंप में क्या होती है? तरंगे। अब ये तरंगे कौन कौन सी होती है? तीन तरह की, पी एस और एल। पी एस एल कौन कौन सी तरंगे होती थी? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तीन तरह की तरंगे होती थी। पी तरंगों को क्या कहा गया? पी तरंगे प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव। पी तरंगों को कहा गया प्राइमरी वेव, यानी ये इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब सबसे पहले हम पी तरंगों के बारे में बात करेंगे। पी तरंगे, या इन्हें कहा गया प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। पी वे मतलब प्राइमरी वे, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस। प्राथमिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। प्राइमरी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर जाती हैं। फिर दूसरी आती है हमारी यस वे। यस वेव मतलब सेकेंडरी तरंगे, सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंगे। द्वितीय तरंगे, द्वितीय तरंगे ये ऐसी तरंगे होती है जो सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती है, यानी जहां पर द्रव मिल जाएगा वहीं पर ये तरंगे रुक जाएंगी, द्रव से आगे नहीं बढ़ सकती है। तीसरी हमारी होती है यल वेव। कौन सी? यल वेव। इन्हें कहा जाता है सतही तरंगे। क्या कहा जाता है? सतही तरंगे। लेवल वेव कहा जाता है, धरातली तरंगे कहा जाता है, सतही तरंगे भी कहा जाता है। अब हमें समझना किसे है? दो, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान हुआ, क्योंकि जो यल वेव थी वो कहाँ है? सतह पर आ जाती है, और सतह पर आकर क्या करती है? भारी तबाही मचाती है। जो भी हमारे भूकंप से नुकसान होता है वो किन तरंगों की वजह से होता है? रियल वेव के द्वारा। किनके द्वारा होता है? रियल वेव के द्वारा। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा है वो पी वेव और यस वेव से लगा है। कारण कैसे? क्योंकि जहाँ पर हमारी पी वेव ऊपर से लेकर और क्रोड तक, यानी हमारी कोर तक चली गई, तो इसका मतलब वो हमारी पी वेव थी, यानी प्राइमरी तरंगे थी। जो तरंगे कुछ दूरी पर जाकर रुक गई, इसका मतलब वह द्वितीय तरंगे थी, और वहां तक सिर्फ और सिर्फ ठोस थी। वहां तक पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ ठोस थी। जो नीचे तक चली गई, इसका मतलब कि वहां तक द्रव और गैस को पार कर दिया। इसी आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी सबसे पहली, यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ऊपरी परत जिसे हम लोग भूपरपटी कहते हैं, इसके बाद मेंटल, और जो थर्ड
तीसरे नंबर पे थी, उसे कहा जाता है कोर, यानी भूपर्पटी मेंटल ऑफ कोर, भूपर्पटी मेंटल कोर। सबसे पहले बात करते हैं भूपर्पटी की। पृथ्वी की ऊपरी सतह, आप समझते जाइए, पहले यहाँ से हम आपको वहां समझाते हैं फिर लिखाएंगे। भूपर्पटी पृथ्वी की, जैसे अगर हम दोस्तों इसे हम करें तो पृथ्वी की संरचना कैसी हो जाएगी, इस तरह से गोल, देखिए इस तरह से, ये भी ऐसे पृथ्वी गोल है, इसका मतलब ये केंद्र है उसका, ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये उसका केंद्र है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं, जैसे ये हम पृथ्वी मान रहे हैं, तीन हमने भी आपको बताया, शायद किसी को समझ में ना आ रहा हो इसीलिए, क्लियर। यानी अभी हमने बताया ये हमारी क्या है, ये हमारी भूपर्पटी है, ध्यान से देखना ये हमारी क्या है, भूपर्पटी। ये क्या है, मेंटल। ये क्या है, कोर। पृथ्वी के अंदर की तीन परतें हैं, भूपर्पटी मेंटल कोर। अब ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है, दोस्तों ध्यान से देखना ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक। पृथ्वी का जो, चाहे इधर से हम बात करें, चाहे हम इधर से बात करें, चाहे हम ऊपर से बात करें, देखो कोर सबसे नीचे वाला, दूसरे नंबर पे मेंटल, सबसे ऊपर भूपर्पटी। इधर से भी बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये कोर होगी, ये क्या होगी, ये हमारी मेंटल होगी, और ये क्या होगी, जल्दी बताओ ये क्या होगी, ये हमारी भूपर्पटी होगी। सिर्फ यहाँ इसकी एक काट का वर्णन है, यहाँ सिर्फ इसकी एक काट का ही चित्र लिया गया है समझाने के लिए। अब देखिए कैसे, ध्यान से रखना, बिल्कुल यही वाला चित्र यहाँ आ जाएगा। देखिए वही फिगर है, यही तो यहाँ बना, यही यहाँ बना, यानी पृथ्वी हमारी कैसी है, वृत्ताकार है, और ये इसका केंद्र है, केंद्र के नीचे का हिस्सा, आसपास का हिस्सा हमने हटा लिया, सिर्फ एक काट का चित्र हमने आपके सामने रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूपर्पटी की। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूपर्पटी कहलाती है। दोस्तों इसी को कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं, क्रस्ट, क्या कहते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो ध्यान से देखना, क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो ऊपरी क्रस्ट और दूसरा निचली क्रस्ट, एक तो ऊपरी क्रस्ट दूसरा निचली क्रस्ट, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझते जाइए, जैसे भूपर्पटी के दो हिस्से, अभी हमने आपको बताया एक तो ऊपरी और दूसरा
झिल्ली, यानी एक को कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और दूसरे को निचली क्रस्ट। क्या कहते हैं? दूसरे को निचली क्रस्ट। जैसे हम देखते हैं हमारी पृथ्वी पर कहीं कहीं क्या है, महासागर है। महासागरों की तली बहुत ही ज्यादा नीचे होती है, महासागरों की तली बहुत ही ज्यादा नीचे होती है, जबकि उससे ऊपर उठा हुआ भाग, उसके ऊपर उठा हुआ भाग वो हमारे महाद्वीप कहलाते हैं। तो जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप है, महाद्वीप का धरातल, महाद्वीप का धरातल हमारा ऊपरी पर्पटी कहलाती है, और जो हमारे समुद्र हैं, समुद्र का धरातल क्या कहलाता है? निचली पर्पटी कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले भूपर्पटी, तो भूपर्पटी को दो भागों में डिवाइड किया गया। भूपर्पटी को क्रस्ट कहा जाता है, ये इसी को कहा जाता है सियाल। क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है। भूपर्पटी के ऊपरी भाग को सियाल कहा जाता है। कारण क्या है? ये सिलिका और एल्यूमिनियम दो पदार्थ, एक तो सिलिका और दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कारण। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? भूपर्पटी के दो भाग, भूपर्पटी के दो भाग। पहला भाग कौन सा है? ऊपरी भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी। और दूसरे भाग का नाम क्या है? निचली भूपर्पटी। क्लियर? ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी जिस जो महाद्वीप का धरातल है ऊपरी भूपर्पटी के अंतर्गत आता है, महासागर का धरातल निचली भूपर्पटी के अंतर्गत आता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो हमारी भूपर्पटी है, भूपर्पटी की मोटाई कितनी है। भूपर्पटी की मोटाई, टोटल भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, भूपर्पटी की मोटाई कितनी है। टोटल अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ है भूपर्पटी की, सिर्फ इसका नहीं है। भूपर्पटी की टोटल मोटाई कितनी है? तीन मोह, तीन मोह। क्लियर? भूपर्पटी की टोटल मोटाई कितनी है? तीन मोह, तीन मोह। इसमें ऊपरी भूपर्पटी की अगर हम बात करें तो 2.5 है, और निचली भूपर्पटी की 3 मोह हो जाती है। क्लियर? 3 मोह हो जाती है। इसकी 2.5 है और इसकी 3 मोह, यानी टोटल 3 मोह भूपर्पटी की मोटाई है। 3 मोह भूपर्पटी की मोटाई है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम बात करते हैं आगे हमारी दूसरी, यानी मेंटल के बारे में। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहू भी नया नया है, चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी मेंटल की। दूसरी परत हमारी कौन सी है? मेंटल। दूसरी परत मेंटल। भाइयों अगर हम बात करें भूपर्पटी, भूपर्पटी के बाद
चट्टानों में कुछ परिवर्तन आया, चट्टानों में कुछ परिवर्तन आया जिनके बीच बीच एक क्या पाई जा रही थी, दो चट्टानों के बीच में एक परत पाई जा रही थी, यानी ऊपरी पर ऊपरी चट्टाने अलग थी और निचली चट्टाने हमारी दूसरी तरह की थी, इसीलिए इनके बीच एक दीवार कह सकते हैं या एक असंबद्धता कह सकते हैं, एक संक्रमण क्षेत्र था जिसको नाम क्या दे दिया गया, मोह असंबद्धता। क्या कहा गया? मोह असंबद्धता। तो मेंटल मेंटल और भूपरपटी, यानी मेंटल व भूपरपटी के बीच का क्षेत्र, बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मोह असंबद्धता। क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, यानी एक तो हमारा ऊपर का क्षेत्र था और एक हमारा निचला क्षेत्र था। तो जो ऊपरी वाला क्षेत्र था उसे कहा गया ऊपरी मेंटल। क्या कहा गया? ऊपरी मेंटल। और नीचे वाले क्षेत्र को कहा गया निचला मेंटल, निचला मेंटल। बात आती है मेंटल, जो मेंटल था वो मुख्य रूप से बना गया था, यानी मेंटल में मुख्य तत्व तो कौन कौन से थे, तो मुख्य तत्व तो दो थे, यानी पूरा जो हमारा मेंटल था उसमें दो तत्व की प्रधानता थी। एक तो हमारा था सिलिका, एक तो हमारा था सिलिका, एक तो हमारा था सिलिका और दूसरा था मैग्नीशियम। इसीलिए इसे क्या कहा गया? सीमा। क्या कहा गया? सीमा। पहला हमारा क्या था? सिलिका था और दूसरा तत्व कौन सा था? मैग्नीशियम था। दूसरा तत्व कौन सा था? मैग्नीशियम। इसीलिए इसे क्या कहा गया? सीमा नाम दिया गया। समझ में आ गया? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल बांटा क्यों गया? क्योंकि जो मेंटल का ऊपरी भाग था उसमें अलग तत्व पाए जा रहे थे और निचले मेंटल का स्वभाव अलग था, इसीलिए इन ये दोनों क्षेत्र अलग अलग हो गए, यानी मेंटल के दो भाग हो गए। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? रेपेरी असंबद्धता। यानी अगर हम बात करें मेंटल के दो भाग, मेंटल के भाग, तो मेंटल के कितने भाग थे? दो। पहला भाग ऊपरी मेंटल, पहला भाग ऊपरी मेंटल था और दूसरा भाग हमारा क्या था? दूसरा भाग क्या था? निचला मेंटल। दूसरा भाग क्या था? निचला मेंटल। मेंटल को हिंदी में कहा जाता है प्रवार, हिंदी में कहा जाता है प्रवार। तो अगर बात करें मेंटल के दो भाग थे ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊपरी मेंटल की। ऊपरी मेंटल सबसे पहले, जैसे ही चट्टाने ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही थी उनका घनत्व बढ़ रहा था, उनका घनत्व बढ़ रहा था। तो अगर हम बात करें ऊपरी मेंटल की मोटाई कितनी थी, अगर हम बात करें ऊपरी मेंटल की मोटाई कितनी थी, तो ऊपरी मेंटल की मोटाई कितनी है? 5 मोह। कितनी थी? 5 मोह। पृथ्वी की मोटाई के मापने का पैमाना मोह पैमाना, पृथ्वी की मोटाई के मोटाई को मापने का पैमाना मोह पैमाना। तो मोटाई क्या थी? 5 मोह। अब जो हमारा ऊपरी मेंटल था वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ था, यानी अगर हम बात करें इसकी गहराई की, तो ये कहां तक था? कहां तक था? यानी 700 किलोमीटर तक फैला हुआ था, 700 किलोमीटर। ये आपको देखने से पता चल जाएगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें 30 से लेकर और 700 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र था वो हमारा क्या था? ऊपरी मेंटल था। क्या था? ऊपरी मेंटल। यहाँ पर एक पॉइंट और बना के लिख लेना, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल व निचला
मेंटल, ऊपरी मेंटल व निचला मेंटल के बीच, बीच का क्षेत्र कह सकते हैं या बीच, बीच का क्षेत्र या बीच की परत। तो कौन सी थी हमारी रेपे ही संबद्धता, कौन सी थी रेपे ही संबद्धता। समझ में आ गया होगा, यानी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेपे ही असंबद्धता, कौन सी थी रेपे ही असंबद्धता। अब बात कर रहे हैं हम बाह्य मेंटल की। देखो एक चीज याद रखना, ऊपरी मेंटल को ही कहा गया बाह्य मेंटल, ऊपरी मेंटल को बाह्य मेंटल। तो बाह्य मेंटल हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं निचला मेंटल, क्लियर, ये तो लिख ही लिया होगा, प्लीज स्क्रीन शॉट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा था, निचला मेंटल, निचला मेंटल, क्लियर। यानी जो हमारा निचला मेंटल था इसकी मोटाई कितनी थी, यहां तक पहुंचते पहुंचते मोटाई कितनी हो गई, 6 मोह हो गई, कितनी हो गई 6 मोह हो चुकी थी मोटाई। पृथ्वी की मोटाई किसमें मापी जाती है, मोह में, यानी 6 मोह हो चुकी थी। निचले मेंटल के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है हमारी कोर, क्लियर, क्या स्टार्ट हो जाती है कोर। तो निचला मेंटल, निचला मेंटल व कोर, कोर के बीच का क्षेत्र, कोर के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा स्थान जहां से निचला मेंटल खत्म हो रहा है और हमारा कोर स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी ऐसा क्षेत्र क्या कहा गया, गुटेन वर्ग, क्या कहा गया गुटेन वर्ग असंबद्धता, क्या कहा गया गुटेन वर्ग असंबद्धता। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होगी। अब यहां के बाद नेक्स्ट भूपरपट्टी हमारी हो गई, मेंटल हो गया, तीसरा आता है कोर, क्या आता है कोर। यानी अगर बात मेंटल किसका बना, ध्यान से सुनना, भूपरपट्टी किसकी बनी थी, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम की। मेंटल किसका बना था, सिलिका और मैग्नीशियम का। अब हम बात करते हैं कोर की, कोर में दो तत्व पाए जा रहे थे, कोर में दो तत्व पाए जा रहे, कोर तक आते आते घनत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। देखो कारण क्या था, जो हमने भी आपको बताया, चट्टाने जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही थी तो क्या बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था, दबाव के साथ साथ क्या बढ़ रहा था, घनत्व बढ़ रहा था। लेकिन घनत्व को, घनत्व के बढ़ने का क्रम एक हद तक, यानी एक निश्चित सीमा तक ही घनत्व बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ कोर का घनत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। कारण क्या था, भारी तत्वों का होना, उसका कारण था भारी तत्वों का होना। और वो भारी तत्व कौन कौन से थे, वो भारी तत्व क्या थे, यानी भारी तत्व कौन कौन से थे, या हमारी निफे, जो हमारी कोर है, कोर को क्या कहा जाता है निफे, क्या कहा जाता है निफे। अब हम इसके नाम से ही इसको याद कर लेंगे, निफे, नी फे, यानी निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, कुछ भी आपको रटना नहीं है, निकेल और फेरस, जो हमारी कोर थी वो निकेल और फेरस की बनी हुई थी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अब कोर का जो ऊपरी भाग था, जो ऊपरी भाग था वो क्या कहलाए, कहलाया बाह्य कोर, और जो निचला भाग था वो क्या कहलाया आंतरिक कोर, क्या कहलाया आंतरिक कोर। समझ में आ गया होगा, तो बात कर रहे हैं कोर, कोर के दो भाग, कोर के भाग, कोर के कितने भाग थे, दो थे, पहला
वह कौन? दूसरा आंतरिक कौन? बाह्य कोर की, बाह्य कोर की मोटाई क्या थी? बाह्य कोर की इसमें साफ कर लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में अंतर था। बाह्य कोर हमारी जो थी वो हल्की सी तरल अवस्था में थी। एक पॉइंट और भी याद रखना, जब ज्वालामुखी आता है, जब ज्वालामुखी आते हैं तो जो लावा निकलता है वो कहां से आता है? वो हमारे मेंटल से आता है। कहां से आता है? मेंटल से। हम बात कर रहे हैं कोर की, तो बाह्य कोर, बाह्य कोर यानी जो हमारी बाह्य कोर थी, बाह्य कोर की मोटाई, बाह्य कोर की मोटाई, मोटाई कितनी थी? यानी यहाँ तक बढ़ते बढ़ते घनत्व बढ़ ही रहा था। पहले घनत्व कम था 3 मो, फिर 5 मो, फिर 6 मो, अब कितना हो गया था? 9 मो। यानी मोटाई कितनी हो चुकी थी? 9 मो हो चुकी थी। मोटाई कितनी हो चुकी थी? 9 मो हो चुकी थी। इसके बाद बात कर रहे हैं निचला कोर, निचला कोर, निचले कोर की मोटाई कितनी थी? निचले कोर की मोटाई कितनी थी? 11 मो। कितनी थी? 11 मो। अब बीच का क्षेत्र यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच का क्षेत्र दिख रहा होगा। इस बीच के क्षेत्र को कौन जोड़ रहा था? लेमैन संबद्धता यानी बाह्य कोर, बाह्य कोर व निचला कोर, बाह्य कोर व निचला कोर के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र क्या कहला रहा था? हमारा लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता। क्लियर? तो ये था हमारा भूपर्पटी यानी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद 2 पॉइंट और आते हैं, यानी कहां तक हम पहुंच जाते हैं? यहां क्या है? पृथ्वी का केंद्र। यानी अगर हम बात करें पृथ्वी के केंद्र का, पृथ्वी के केंद्र का ताप, यानी पृथ्वी के केंद्र का ताप कितना है? तो ताप कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी खौलने लगता है, पानी उबलने लगता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र का ताप कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। याद है हमने आपको क्या बताया था? सूर्य, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और पृथ्वी के केंद्र का ताप कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का निर्माण भी किससे हुआ था? पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही, जब विस्फोट हुआ तभी तो पृथ्वी का निर्माण हुआ था। यानी पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी? आग का गोला थी, आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता गया। कैसे? ज्वालामुखी आए, ज्वालामुखी से जो जो गैसें निकली थी, गैसों ने क्या किया? वायुमंडल का निर्माण किया, जिससे बारिश हुई और बारिश से महासागरों का निर्माण हुआ और हमारी पृथ्वी ठंडी, धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। तो इसके केंद्र का तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी की सतह से, जो पृथ्वी की सतह, सतह से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी कितनी है? सतह कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ पे भाइयों? यहाँ से अब कहाँ तक? यहाँ तक। तो दूरी कितनी है? 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। तो भाइयों ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसका इसका जो सबसे अधिक प्रमाणित है, प्रमाणित कौन सा विज्ञान है? भूकंप विज्ञान ही माना जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया था कि कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये थी पृथ्वी के अनुप्रस्थ काट, कि ये काट है, ये केंद्र है, ये कैसी हमारी पृथ्वी गोल है, तो चारों ओर तो ऐसी होगी, चारों ओर कैसी होगी, इस तरह से बनी है। हमने अभी आपको
करके दिखाया था पिछली क्लासों में, ये देखो इस तरह से है, यानी गोल है ना, तो चारों तरफ ऐसी है, सिर्फ एक अनुप्रस्थ काट ऐसी थी जो हमने आपको यहाँ बना के बताई, बना के दिखाई थी, इस तरह से हमने आपको समझाया। तो कोशिश हमारी यही रहती कि आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश की जाए, लेकिन आप ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना आपसे तो कुछ भी नहीं होता है। कोई बात नहीं मित्रों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।